पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में शादियां जितनी धूमधाम से होती हैं, उतनी ही खामोशी से खत्म भी हो जाती हैं। अदाकारों के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर इनके बच्चों पर होता है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के ऐसे ही कुछ अदाकारों के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे जिनके बच्चे इनके साथ नहीं रहते। नंबर 1, शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ। इन दोनों अदाकारों की शादी 2012 में काफी धूमधाम से हुई। ये खूबसूरत अदाकार जोड़ा भी एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। इनकी एक प्यारी सी बेटी नूरे भी है जिसके साथ वो म्यारी वक्त गुजारते थे और इनके साथ गुजारे गए लम्हात की तस्वीर भी शेयर करते रहते थे। लेकिन फिर अचानक शादी के 8 साल बाद इनमें तलाक हो गई और इनकी बेटी नूरे सिर्फ सायरा यूसुफ की जिम्मेदारी बन गई, जबकि शहरोज सब्जवारी सदफ कंवर से दूसरी शादी भी कर चुकी हैं। नंबर 2, मोहिब मिर्जा और आमना शेख। मोहिब मिर्जा एक एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं, जबकि आमना शेख एक एक्ट्रेस और फैशन मॉडल के तौर पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। इन दोनों अदाकारों की शादी भी 2015 में हुई और बाजाहिर ये शादी काफी कामयाब नजर आती थी। शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेटी की नियमत से नवाजा जिसका नाम मीसा मिर्जा रखा गया। लेकिन फिर 2019 में इन दोनों अदाकारों में तलाक की खबरें गर्दिश करने लगी, जिसकी तस्दीक मोहिब एक इंटरव्यू में कर चुके हैं। इन दोनों में तलाक के बाद अब बेटी आमना शेख के साथ रहती हैं। मोहिब मिर्जा ने फादर्स डे के मौका पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वो उस कदर बदकिस्मत बाप हैं कि इन्हें ये भी मालूम नहीं कि इनकी बेटी इस वक्त कहाँ है। अब तलाक के 2 साल बाद अदाकारा आमना शेख ने भी दूसरी शादी कर ली है। नंबर 3, माहिरा खान और अली असगरी। माहिरा खान जो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इनकी मुलाकात अली असगरी से 2006 में लॉस एंजलिस में हुई और फिर 2007 में इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें एक खूबसूरत बेटे अजलान से नवाजा, जिसके बाद माहिरा खान अपने कैरियर को बनाने में मसरूफ हो गयी और शादी के 8 साल गुजर जाने के बाद इन दोनों में भी तलाक हो गयी और अब इनका बेटा अजलान सिर्फ माहिरा की जिम्मेदारी है। Please subscribe Showbiz News Official and press the bell icon for latest Showbiz updates. नंबर 4, फैसल कुरैशी। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के कामयाब अदाकार, प्रोड्यूसर और टीवी होस्ट फैसल कुरैशी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि फरमान कुरैशी से पहले भी फैसल कुरैशी का एक बेटा था जो कि इनकी दूसरी शादी से था। चूंकि फैसल कुरैशी की दूसरी शादी कामयाब ना हो सकी और इनकी दूसरी बीवी अपने बेटे को लेकर चली गयी और अब फैसल कुरैशी अपनी तीसरी बीवी से होने वाली बेटी बेटे और पहली बीवी से होने वाली बेटी हानिश कुरैशी के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 5, आमिर लियाकत। एक्टर और होस्ट आमिर लियाकत के भी 2 बच्चे दुआ आमिर और अहमद आमिर हैं, जो कि अब जवान हो चुके हैं। मगर अब आमिर लियाकत ने अपने जवान बच्चों की मौजूदगी में तुबा आमिर से दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से इनके बच्चे अपने बाप से काफी मायूस नजर आए और इनकी बेटी दुआ आमिर ने इंस्टाग्राम पर अपने टूटे हुए दिल का भी इजहार किया और अपने बाप से नाराजगी का भी इजहार किया। आमिर लियाकत भी एक बदकिस्मत बाप है। नंबर 6, शामून अबासी और जवेरिया अबासी। अदाकार शामून अबासी और जवेरिया अबासी की शादी 2007 में हुई। शादी के बाद इन्हें अल्लाह ताला ने एक बेटी अंजला अबासी से नवाजा, लेकिन इन दोनों अदाकारों की शादी भी ज्यादा देर ना चल सकी और इनमें भी तलाक हो गई। तलाक के बाद अंजला अबासी